देख रहे हैं जनादेश भारत न्यूज और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबर से। बिजनौर में भाजपा कार्यकर्ता प्रिंस चौधरी के समर्थन में परिजनों व ग्रामीणों ने जनपद मैरठ के कशवा किला परीक्षित गढ़ में हुए सड़क दुर्घटना प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराने के संबंध में मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। ज्ञापन में परिजनों ने बताया कि 30 जनवरी को जनपद मैरठ के कशवा किला परीक्षितगढ़ के पास ग्राम खजूरी में स्थित पब्लिक स्कूल में वार्षिक सम्मेलन में भाजपा कार्यकर्ता प्रिंस कुमार बतौर वशिष्ठ अतिथि आमंत्रित थे। प्रिंस कुमार अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी में ड्राइवर के साथ जा रहे थे। उनके साथ पीछे चल रही दूसरी गाड़ी महिंद्रा थार से दो स्कूटी सवार लड़के टकरा गए थे, जिससे स्कूटी सवार दोनों लड़कों की मृत्यु हो गई थी। आरोप है कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत दुर्घटना के अगले दिन शाम को प्रिंस कुमार की छवि को खराब करने के उद्देश्य से सरकार विरोधी नेताओं के द्वारा मृतकों के समाज को भड़का कर प्रिंस कुमार को नामजद करते हुए मुकदमा दर्ज करा दिया गया। पुलिस के द्वारा जानबूझकर प्रिंस कुमार के वृद्ध माता पिता परिवारजनों को प्रताड़ित किया जा रहा है। बिजनौर से नीरज पाल की खास रिपोर्ट। सिंगर में झालम मंडल से महामंत्री हूँ भाजपा का जी। आज आप आए क्या मामला? आज जिलाधिकारी से मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन दिया है जिसमें प्रिंस चौधरी जी को उनकी गाड़ी से जो एक्सीडेंट हुआ है थार से, उन्हें नाजायज तरीके से फंसाया जा रहा है। उनकी गाड़ी से एक्सीडेंट नहीं हुआ, पिछली गाड़ी से जो एक्सीडेंट हुआ उससे हुआ था, और उन्हें पर लगातार पुलिस दबाव बनाने के चार चार गाड़ी घेरा डाल रहे हैं, रोज़ बिजनौर में आ रहे हैं, यानी कि नाजायज तंग करा जा रहा है। एक द्वेष भावना से काम करते हुए इनके साथ अत्याचार करा जा रहा है। मैं उन अनुरोध करूंगा मुख्यमंत्री जी से, इसमें निष्पक्ष जांच होकर जो सही कानूनी कार्रवाई वो करा जाए। प्रिंस चौधरी जी गाड़ी नहीं चला रहे थे, उनका ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, उनकी आंख में कमी है इस वजह से वे कभी गाड़ी नहीं चलाते, आज तक गाड़ी नहीं चलाई और बता नहीं सकता। उसके बाद भी पुलिस नाजायज तंग कर रही है, हमने दोनों गाड़ी दे चुके थाने में, उसके बाद भी पुलिस वहाँ यहाँ लगातार दबाव बना रही है, कार्यकर्ताओं के घर जा रही है, उन पर अत्याचार कर रही है। अब हमने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है और जिलाधिकारी का आश्वासन है कि इसमें निष्पक्ष जांच होगी। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।